एज में ही इस जिम की ओपनिंग किए थे? जरा आपने बिजनेस के बारे में बताना चाहेंगे, किस उम्र में आपने ये शुरू किया था? मैंने मेरा पहला बिजनेस 2009 में चालू किया था, व्हेन आई वाज 22 इयर्स ओल्ड। तो माय ग्रैंडफादर वाज अ रेसलर, दैट्स व्हाई फिर हमने ये फिटनेस क्लब से पहले बिजनेस चालू किया। माय फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो बिजनेस वाज न्यू फॉर अस। सो फ्रॉम आवर फैमिली आई एम द फर्स्ट जनरेशन पर्सन जो हम बिजनेस में आए। सर मोदी जी से कितना एक्सपायर है? मैंने सुना है कि आपने गांव भी गोद लिया, जो कि मोदी जी ने बोला था एक गांव गोद लेने के लिए जो संपन्न है गांव को, तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि वो गांव कौन सा है और आपने वहां क्या-क्या डेवलपमेंट किया है। मोदी जी से तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि मेरी जो पहली मूवी थी अबक, वो मोदी जी के विचारों पर आधारित थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें मोदी जी ने खुद ने उनका वॉइस हमें मूवी के लिए दिया था। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू मोदी जी। और जो गांव हमने अडॉप्ट किया है, वो हमारा जो हमारे जो पूर्वज थे तो वो वहाँ पे रहते थे, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस हम वहाँ से हमें शिफ्ट होना पड़ा। दैट्स वे टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर आई, तो मैंने मेरा गांव चूज किया फॉर डेवलपमेंट। सर आपने बिजनेस भी किया है, भारतीय संस्कृति को भी जिंदा रखा है। हमने सुना है कि आपने शंकर महाराज मठ को मठ में कुछ पद पे है, और क्या कुछ आपने वहाँ किया कि बताना चाहेंगे? कुछ एम्बुलेंस डोनेट किए हैं? शंकर महाराज मठ में मैं ट्रस्टी हूँ, और शंकर महाराज मठ के लिए हमने 2022 में एक एम्बुलेंस डोनेट किया था, जो अभी हमने हमारे गांव में जो शंकर महाराज मंदिर बनाया है उसको ये साल हमने सेकंड एम्बुलेंस हमारी वहाँ पे डोनेट की है। सर इतना कुछ कैसे मेंशन करते हैं? फिल्म से जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और बिजनेस भी बहुत कुछ करते हैं, क्या कुछ कुछ बताना चाहेंगे कि मैं जो हमारे युवा पीढ़ी है उसे प्रेरित हो सके? अभी ग्रेविटी ग्रुप इज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस, रियल इस्टेट में भी है, और हमारा एक हैसबर करके कॉन्क्रीट एक बैचिंग प्लांट की हमारी कंपनी भी है। तो मैं ये जनरेशन को सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि जो भी आप काम करोगे उसको आप पूरी लगन से और मेहनत से कीजिए, तो आपको 150% उसमें सक्सेस मिलेगा। आज कौन सा सॉन्ग है यहाँ जो लॉन्च हुआ है, जरा बताएंगे सर जो नहीं जानते हैं कौन सा सॉन्ग है, और उस फिल्म के बारे में मुझे बताइएगा कि फिल्म ये जो मूवी है आओ विक्रमार्का, ये 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, और ये जो गाना आज रिलीज हुआ है वो है सलमा सॉन्ग, जो आरको मुखर्जी ने म्यूजिक उसका दिया है, और इसमें रवि बसूर के भी 3 सॉन्ग्स है, और ये मूवी का बैकग्राउंड स्कोर पूरा रवि बसूर ने ही किया है, जिन्होंने KGF और सलार जैसी मूवीज पहले दिए हैं। तो ये जो मूवी है ये एक ऑनेस्ट कॉप के बारे में है, और कैसे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से वो अपनी माँ को भी बचाता है, और एक जो करप्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट खड़ा होता है, इसके बारे में। सर ऐसे क्या रीजन था कि जब देव सर, पहले तो ये जानना चाहूंगा देव सर के साथ ऐसा बॉन्डिंग शेयर करते हैं, और क्या एक खास रीजन था जो इस फिल्म से आप जुड़ गए? देव इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, उसको मैं कई सालों से जानता हूँ, और बट इन्होंने जब मेरे पास में ये स्क्रिप्ट लाई तो मुझे ये बहुत पसंद आई स्क्रिप्ट, तो और ही इज लाइक माई यंगर ब्रदर, तो और हमें नेक्स्ट मूवी बनानी ही थी, और उसकी मेहनत और लगन तो हमें पहले से ही मालूम है, दैट्स व्हाई वी सपोर्टेड हिम एंड वी जॉइंटली डिड दिस प्रोजेक्ट। सर हमने आज देखा कि आप ये जो गाना है आपकी माँ ने इसे लॉन्च किया है, क्या ये बहुत बड़ा रीजन है कि ये जो फिल्म है एक माँ को समर्पित है? हमारी हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो हमारे माँ बाप रोल प्ले करते हैं, तो हमें जो हमारी माँ है उसको सभी प्यार करते हैं, बट उसके हाथ से इनॉग्रेशन करना मतलब इट इज अ रिस्पेक्ट, बिकॉज एवरी वुमन नीड्स रिस्पेक्ट, शी नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी, तो ये हमने एक रिस्पेक्ट इससे दिखाया है अपनी माँ के प्रति। अगर हमारे दर्शकों को बता सके, हालांकि हम सब जानते हैं 30 अगस्त को आ रहा है, लेकिन हमारे दर्शक जो नहीं जानते उन्हें आप कुछ अपील कर सके कि ये सिनेमा घर में आए 30 अगस्त को? ये सिनेमा 30 अगस्त को रिलीज हो रहा है पैन इंडिया, ऑलरेडी हमको इसमें 1300 to 1400 स्क्रीन्स मिल चुके हैं। होम्बाले जो कन्नड़ का बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है वो कन्नड़ में कर रहा है,
मैत्री पिक्चर्स जिन्होंने अभी पुष्पा की थी रिलीज, वो तेलुगु में, वो तेलुगु रिलीज कर रहा है, यूएफओ है, तो इसमें हमें अच्छी नंबर ऑफ स्क्रीन्स मिले एंड इट विल बी अ मास एंटरटेनर। एक लास्टली ये सवाल भी मेरा रहेगा कि और क्या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, फिल्म तो आप कर ही रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस से जुड़े हैं, कुछ और कुछ कर रहे हैं अगर सर बता सकते। अभी नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट मूवी, तो एक नई मूवी की स्क्रिप्ट पे हमारा अभी काम चालू है जो ये नवंबर में चालू होगी, और हमारे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स दो अभी चालू है, दुबई में हमारी जो कॉन्क्रीट कंपनी है तो हैसबर जो हमारे कॉन्क्रीट कंपनी का नाम है उसका भी एक्सपेंशन चालू है, तो बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गोइंग वेल। शुक्रिया सर।